सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन्स। सो कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन्स होते हैं, जैसे एक ड्रॉप डाउन में हम कुछ स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो उस स्टेट से रिलेटेड सारी सिटीज़ हमको मिल जाती हैं, या फिर हम कोई एक सिटी सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड बाकी सब सिटी, या फिर कंट्री सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड स्टेट मिल जाते हैं। सो इस टाइप की ये कैस्केडिंग होती है ड्रॉप डाउन्स की। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सेलेक्ट बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्री शो करने मीन्स स्टेट्स शो करने के लिए, सो ये सेलेक्ट बॉक्स मैंने एक बनाया, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ ऑप्शंस। सो क्योंकि स्टेट्स एक एरे में है तो मैं इस एरे पे लूप चला सकता हूँ सिंपली, स्टेट्स डॉट मैप। सो मैप करने के बाद मेरे पास आ जाएगा एक सिंगल स्टेट, और मैं रिटर्न कर सकता हूँ वन बाय वन ऑप्शंस, ओ पी टी आई ऑप्शन। सो इस ऑप्शन के अंदर मैं क्या शो करूँगा, स्टेट। सो ओके सो स्टेट्स मुझे मिल गए। जो भी मैं स्टेट सेलेक्ट कर रहा हूँ वो स्टेट सेलेक्ट होता रहेगा। एक बार मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे चेक कर लेता हूँ। ओके तो सब जैसे ये स्टेट सेलेक्ट होगा वैसे मुझे क्या करना है, इसको स्टेट में सेव करना है। ये तो एक सिंपल एक वेरिएबल में सेव किया हुआ है मैंने, तो जो भी सेलेक्टेड होगा उसको मैं क्या करूँगा, एक स्टेट में रख लूँगा, क्योंकि स्टेट के अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँगा। क्योंकि जो भी स्टेट सेलेक्टेड होगा, जैसे यूपी सेलेक्टेड होगा तो मैं यूपी की सिटी शो करूँगा, और दिल्ली सेलेक्टेड होगा तो दिल्ली। सो इन दैट वे विल वर्क हियर। लेट्स सी, सब कॉन्स्ट यूज स्टेट, और अभी इनिशियली इट विल बी नल। सो ओके इसका मैं नाम रखता हूँ सेलेक्टेड स्टेट कॉमा सेट सेलेक्टेड सेलेक्टेड स्टेट स्टेट। ओके सो सेलेक्टेड स्टेट मैंने ले लिया। ओके तो इस सेलेक्टेड स्टेट को मैं कंसोल भी करके चेक करता रहूँगा कि ये प्रॉपरली सेलेक्ट हो रहा है या नहीं स्टेट। ओके चलिए चलते हैं कंसोल करके देखते हैं। अभी तो नहीं आएगा क्योंकि पहले सेलेक्ट पे क्या कराऊंगा मैं, ऑन चेंज, ऑन चेंज। सो ऑन चेंज में एक मैं फंक्शन कॉल करूंगा, इस फंक्शन के अंदर एक इवेंट होगा। सो इस इवेंट की हेल्प से मैं क्या करूंगा, सेट सेल ये वाला मेथड मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। सो इसमें मैं करने वाला हूँ इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके सो अब चेक करते हैं। सो अभी मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया तो गुजरात प्रिंट हुआ, और यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी प्रिंट हुआ, मतलब जिसको मैं सेलेक्ट करूँगा वही प्रिंट होता रहेगा। सो इट्स वर्किंग नाउ। सो अब इसके बेसिस पे मुझे क्या करना है, यहाँ से डेटा निकालना है। सपोज़ मुझे सिटीज़ डॉट यूपी चाहिए, यानी सिटीज़ डॉट दिल्ली चाहिए, या फिर सिटीज़ में से मुझे गुजरात, जैसे ऑब्जेक्ट में सब वैल्यूज़ निकालते हैं। लेकिन जब हमें डायनेमिक वैल्यूज़ निकालनी होती है, मतलब ये नेम चेंज होता रहेगा, तो इस टाइप से सपोज़ मुझे जैसे सिंपली निकालना होता है जैसे सिटीज़ डॉट, और मैं कोई भी दिल्ली ले सकता हूँ इस टाइप से, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये डायनेमिक रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको इसमें सेव कर लिया सेलेक्टेड स्टेट में। मैं उसी बेस पे अब इसकी वैल्यू निकालूंगा। सो पहले क्या करता हूँ, मैं एक सेलेक्ट ले लेता हूँ। इस सेलेक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिटीज़ में से ऐसे निकालते हैं, मैं डॉट करके निकाल सकता है, ऐसे एरे के अंदर डालते हैं जब डायनेमिक वैल्यू होती है। तो सेलेक्टेड स्टेट यानी जो भी सेलेक्टेड स्टेट होगा उसको मैं निकाल लूँगा, मतलब अगर यूपी सेलेक्टेड होगा तो उसका एरे मुझे मिल जाएगा, दिल्ली सेलेक्ट करूँगा तो दिल्ली का एरे मुझे मिल जाएगा। और फिर जब एरे मुझे मिल जाएगा तो फिर मैं उस पर सिंपली मैप चला सकता हूँ। बट इससे पहले हमें बाहर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरे पास सेलेक्टेड स्टेट है तभी हम लोग इसके अंदर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसके अंदर मेरे पास रहेगा सिटी, और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा ऑप्शन, इसके अंदर मैं रखूँगा सिटीज़ को। ना अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ दिल्ली, तो मेरे पास एक और ड्रॉप डाउन आ गया जिसके अंदर मैं दिल्ली की सिटीज़ आ रही हैं ए बी। सो अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन किया हुआ दिल्ली के लिए दो सिटीज़,
सो ए और बी यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। और अगर मैं गुजरात सेलेक्ट करता हूँ तो गुजरात से रिलेटेड मेरे पास कुछ सिटीज़ आ जाएंगी, जैसे गुजरात की सिटीज़ हैं ये। सो ये अभी रियल डेटा नहीं है, सो जब रियल डेटा में हम एपीआई से कॉल करके डेटा मंगाते हैं। सो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा रियल डेटा के साथ, अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन, सो सिंपली ड्रॉप डाउन ऐसे वर्क करते हैं, एक में से जो भी डेट वैल्यू सेलेक्ट होती है उसको हम स्टेट में सेव करते हैं और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग दूसरा ड्रॉप डाउन चलाते हैं हम, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन्स। सो जैसे हमें कंट्री सेलेक्ट की, फिर उसके बेसिस पे स्टेट, स्टेट के बेसिस पे सिटीज शो करते हैं। सो उसके लिए स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इससे रिलेटेड कोड मैं आपको दे दूंगा मेरे ब्लॉग में, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइस।